जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कल की एकादशी, दोस्तों अगर आप लोग व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भूल कर भी गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएंगे, ऐसे कौन सी वो सात चीजें होती हैं जिनका हमें भूल कर भी एकादशी के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम के साथ साथ हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, त्याज्य वस्तुएं कौन कौन सी है, इस सब के बारे में हम विस्तार से आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो दशमी और एकादशी के नियम के बारे में हम आपको बता देते हैं। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाली एकादशी व्रत का निर्देश दिया था। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है और दोस्तों, इस एकादशी व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होता है। और ये नियम कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन ही मांस मदिरा, लहसुन प्याज, मसूर की दाल, चावल, ये सब जो निषेध वस्तुएं होती हैं, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की तिथि से ही इनका त्याग कर देना चाहिए और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि का जो व्रत है वो दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी की दातुन ना करें। नींबू, जामुन या फिर आम के पत्ते लेकर आप चबा सकते हैं और पत्ते भी आपको वृक्ष से नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। जो स्वयं गिरा हुआ पत्ता है उसका लेकर ही सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला आप कर लीजिएगा, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें, या अपने घर पर भी कर सकते हैं, या फिर पुरोहित जी को बुलाकर आप गीता पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं। और इसके बाद प्रभु जी के सामने आपको संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बिल्कुल दूर रहूंगा, उनसे कोई बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, और रात्रि को जागरण करके भजन कीर्तन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करूंगा। तो दोस्तों, जितनी शक्ति और सामर्थ्य है आपकी, उसी के अनुसार अपने व्रत का संकल्प आप लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का आप मन ही मन सारा दिन रात जाप करते रहिएगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के जो सहस्र नाम है उनका पाठ कीजिएगा या श्रवण कीजिएगा। और दोस्तों, भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना कीजिएगा और उनको कहिएगा कि हे त्रिलोकी नाथ, मेरे इलाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिएगा। भगवान की कृपा से ही आप अपने व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान के सामने श्रद्धा भाव से संकल्प करते हुए उनसे प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। और यदि भूलवश किसी निंदक व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से आपकी बात हो जाती है तो तुरंत भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि भगवान की पूजा करके तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में बुरे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। निंदक से, चोर से, हिंसक से, इन सब से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यसनी व्यक्ति से हमें संग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, तो वाणी पर संयम अवश्य रखना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी की तिथि में यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण ना करें। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए
रखिएगा कि एकादशी के दिन आपको किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी और पालक जो ये साग होते हैं इनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई वो सब चीजें जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अब किनका सेवन करना चाहिए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, ये जो होते हैं अमृत फल, इनका सेवन आप कर सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर फिर ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से अन्न, वस्त्र, धन जो भी आपसे बन सके वो आपको दान अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्रोध का त्याग करते हुए आपको मधुर वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति व्रत के दौरान क्रोध करता है, निंदा करता है, हिंसा करता है, तो उसका सारा किया हुआ व्रत, कर्म, धर्म जो भी है वो सब नष्ट हो जाता है, उसको व्रत का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि एक क्रोध ऐसा जहर होता है जो व्यक्ति की हर अच्छाई को मार देता है। तो दोस्तों व्रत के दौरान आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए और ये जो नियम हमने आपको बताए हैं शास्त्र अनुसार इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव से अगर इस व्रत को आप करते हैं तो इस व्रत को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि इस उपवास को करने वाला व्यक्ति दिव्य फलों को प्राप्त करता है, विष्णु भगवान की विशेष कृपा एकादशी के व्रत के करने वाले पर होती है और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों एकादशी व्रत के नियम संबंधी जो भी जानकारी थी, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस सब के बारे में सारी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, कम से कम अपने 21 फैमिली फ्रेंड्स तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्तों अच्छी चीजों को अगर हम शेयर करते हैं तो ये एक तरह से हमारी नेकी होती है और अच्छाई जो भी करते हैं उसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों अच्छी चीजों का अगर हम प्रचार करते हैं तो भगवान की कृपा भी हम पर जरूर बनती है। ओके दोस्तों श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।